Welcome back to Let's Learn Academy. This is Ashika Panikar with you and we are studying Electricity, Part 3. Today we shall be studying all about combination of resistors. Resistors मैंने बताया था कुछ ऐसे छोटे छोटे components होते हैं electric circuit में जो कि current के amount को control करती है. Current काफ़ी बार हमारे devices में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको control करने के लिए छोटे छोटे devices लगाए जाते हैं या छोटे छोटे components लगाते हैं जिसे हम कहते हैं resistors. Resistance of a system of resistors. बहुत सारे resistors हो तो उनका total resistance कैसे निकालें. दो तरीके से हम resistors को अरेंज कर सकते हैं. पहला है resistors in series. रेजिस्टर्स इन सीरीज में जो अलग अलग हमारे पास रेजिस्टेंसेज होते हैं R1, R2, R3 फॉर एग्जाम्पल, उनको लाइन वाइज एक के बाद एक अरेंज किया जाता है. देर आर टू मेथड्स ऑफ जॉइनिंग द रेजिस्टर्स टुगेदर. फिगर 12.6 शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच थ्री रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3, हमने उनका नाम दिया है R1, R2, R3, आर जॉइन एंड टू एंड. एंड टू एंड एक के बाद एक लाइन वाइज अरेंज किया जाता है. Here the resistors are set to be connected in series. Resistors को आप parallel में भी connect कर सकते हैं. Parallel में connect करने का मतलब होता है आप जो resistors है उनको line wise तो arrange कर रहे हैं लेकिन आप एक के बाद एक arrange नहीं कर रहे, यानी कि आप horizontally arrange नहीं कर रहे, vertically उसे arrange कर रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा या एक के नीचे दूसरा. Figure 12.7 shows a combination of resistors in which three resistors, यानी कि यहाँ पे जो R1, R2, R3 है, are connected together between points A and B. Point A और B आप डायग्राम में देख सकते हैं और A और B के बीच में तीन resistors अलग अलग सेपरेटली कनेक्ट किए गए हैं. Here the resistors are said to be connected in parallel. अब हम इन दोनों connections को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. रेजिस्टर इन सीरीज मैंने कहा था कि जो भी रेजिस्टेंसेज होते हैं उनको लाइन बाय लाइन एक के बाद एक अरेंज किया जाता है. जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं R1 के बाद लाइन में ही उसी वायर से ज्वाइन करके R2 लगाया गया है, उसी वायर से ज्वाइन करके R3 लगाया गया है. मतलब वायर एक ही है, एक ही वायर के बीच में दो या तीन या जितने भी अलग अलग रेजिस्टर्स हैं उनको अरेंज किया गया है. जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है. पहली चीज़, द वैल्यू ऑफ करंट इन द एम मीटर इज़ द सेम इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजिशन इन द इलेक्ट्रिक करंट. अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें आप कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट मेजर करोगे सब जगह सेम इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा. पोजिशन मैटर नहीं करता, अगर रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में लगाया हो तो हर जगह इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा, यानी आई की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी. बट द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस V1, V2, V3. अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज. करंट तो हर जगह सेम रहता है लेकिन सीरीज में वोल्टेज जो होता है वो R1 रेजिस्टेंस के लिए सेपरेट V1 होगा, R2 रेजिस्टर के लिए सेपरेट V2 होगा, R3 रेजिस्टर के लिए सेपरेट V3 होगा, और जो टोटल वोल्टेज होगा वो इन तीनों का टोटल होगा, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द सम ऑफ ऑल द थ्री पोटेंशियल डिफरेंसेस. सो वी इज इक्वल्स टू टोटल वी इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. नाउ अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी नो दैट वी इज इक्वल्स टू IR. ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है. क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग है तो R1, R2, R3 और तीनों के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी अलग अलग है, V1, V2, V3. इसलिए तीनों रेजिस्टर्स के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूला बनेंगे. V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2 और V3 इज इक्वल्स टू IR3. ध्यान रखना यहाँ पे जो I है वो हर जगह सेम रहता है. जैसे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा था, वैल्यू ऑफ करंट इज सेम इन द एंटायर सर्किट व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. हमने ऊपर देखा था कि टोटल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. उसमें ये V1, V2 और V3 की वैल्यू और V की वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो हमें मिलेगा IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. RHS में से अगर आप I को कॉमन निकाल ले तो LHS में जो I है उसके साथ वो कैंसिल हो जाएगा,
इससे आपको मिलेगा आर टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, आर एस मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यानी कि सिंपल से अगर हम बात देखें तो कोई भी का सीरीज कनेक्शन में बहुत सारे अगर रेजिस्टर्स हो तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली सारे रेजिस्टेंसेस जो है इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस उन सबका टोटल कर देना है और जो वैल्यू आएगी दैट विल गिव यू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। लेट्स सी एन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 12.7 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम लैम्प का। हर इलेक्ट्रिक डिवाइस का खुद का एक रेजिस्टेंस होता ही है, उसके अलावा हर कंडक्टर यानी कि जो वायर हम यूज़ करते हैं उसका भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता ही है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लैम्प है उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम, यहाँ पे जो वायर यूज़ की गई है उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट, फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस मैंने बताया था जितने भी रेजिस्टेंसेज है सर्किट में सबका टोटल करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वायर है और बल्ब है ऑब्वियसली वो दोनों एक के बाद एक कनेक्ट किए हुए हैं, सीरीज में है वो। सेकेंड, यू हैव टू कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, आई की वैल्यू निकालनी है। थर्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी, वो निकालना है दोनों लैम्प के पास कितना है और कंडक्टर के पास कितना है। वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, जब रेजिस्टेंसेस या अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्टेड होती है तो इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट में सेम रहती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हर पॉइंट पे हर रेजिस्टेंस के आसपास अलग अलग होती है। लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प आर वन, हम नाम दे देते हैं उसे, आर वन इज इक्वल्स टू 20 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर हियर मीन्स द वायर used for connecting the lamp, battery, key, ammeter, etc. R2 is equals to 4 ohm. So the total resistance in the circuit, क्योंकि ये series connection है इसलिए R is equals to R1 plus R2. That means RS, यानी कि resistance in series here is 20 ohms plus 4 ohms, that is 24 ohms. Question में हमें given था कि जो potential difference है that is 6 volt. So V is equals to 6V. Now applying Ohm's law, ओम्स लॉ का फॉर्मूला था वैसे वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो उसके फॉर्मूला में से ही हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब यहाँ पे क्योंकि सीरीज कनेक्शन है इसलिए हम रेजिस्टेंस के नीचे छोटा सा एक एस लिख रहे हैं, सो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी हियर इज 6 वोल्ट डिवाइड बाय आर एस, यानी कि रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 24, 6/24 दैट विल गिव यू 1/4 यानी कि 0.25, और क्योंकि हमने यहाँ पे करंट निकाला है और करंट का यूनिट एम्पियर है सो हियर आई इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। पूरे सर्किट में ये करंट की वैल्यू सेम रहेगी कोई भी पोजीशन हो। अब आपको एक कंफ्यूजन हुआ होगा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी वोल्टेज दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस दी गई है, फिर भी उन्होंने थर्ड क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड अक्रॉस द वायर, कंडक्टिंग वायर। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि हमने पढ़ा था कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज जो होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हर पॉइंट पे हर रेजिस्टेंस के आसपास अलग अलग होता है, इसके लिए ही टोटल वोल्टेज जो होगा या टोटल पोटेंशियल होगा वो उन सभी का टोटल होगा। सो यहाँ पे हम इंडिविजुअल लैम्प के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है और कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो देख लेते हैं। अब लैम्प का जो रेजिस्टेंस था वो 20 ओम था और जो करंट था वो 0.25 एम्पियर है ओवरऑल टोटल में, सो वी वन इज इक्वल्स टू 20 ओम इंटू 0.25 एम्पियर एंड दैट विल गिव यू 5 वोल्ट्स। नाउ अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम्स और करंट 0.25 एम्पियर था तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 × 0.25 दैट विल गिव यू 1 वोल्ट। यहाँ पे हमने वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ का यूज़ किया है, वी इज इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला यूज़ करके। नाउ वी शैल स्टडी रेजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल में अगर रेजिस्टर्स अरेंज करना हो या लगाना हो तो हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं, एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक भी समझ सकते हो आप। यहाँ पे जो करंट और पोटेंशियल की कंडीशंस होती है वो ऑपोजिट होती है,
सीरीज में क्या था, पूरे सर्किट में करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होता है, और टोटल पोटेंशियल उन सभी का टोटल होता है। यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में हर जगह वोल्टेज जो होगी बैटरी की वो सेम ही रहेगी, बट द करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स I1, I2, I3। रेजिस्टेंस R1 के आसपास जो करंट है वो अलग होगा, R2 रेजिस्टर के आसपास जो करंट है वो अलग होगा, और R3 रेजिस्टर के आसपास जो करंट है वो भी अलग होगा। सो दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर टोटली ऑपोजिट इन रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शन। So here I is equals to I1 plus I2 plus I3. Now applying Ohm's law to each of the resistor. Ohm's law का formula है V is equals to IR. तो उसमें से हम लिख सकते हैं I is equals to V upon R. अब क्योंकि यहाँ voltage हर जगह same है तो हम हर जगह V ही लिखेंगे, लेकिन I के जगह I1, I2, I3 आ जाएगा और R के जगह R1, R2, R3 आ जाएगा. So I1 is equals to V upon R1, I2 is equals to V upon R2 and I3 is equals to V upon R3. ऊपर हमने लिखा था फॉर्मूला I is equals to I1 plus I2 plus I3. उस फॉर्मूला में हम ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे. सो LHS में I था तो I का जनरल फॉर्मूला V upon R है, और R यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल है तो R के नीचे छोटा सा P लिखा है. सो वी अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू वी अपॉन R1 प्लस वी अपॉन R2 प्लस वी अपॉन R3. RHS में से अगर आप V को कॉमन निकाल देंगे तो LHS RHS दोनों में से V कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. दिस इज द टोटल कम्बाइंड रेजिस्टेंस वेन द रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल. यहाँ पे R के नीचे जो P लिखा है वो आप ना लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, बस पता चले कि ये पैरेलल कनेक्शन है इसलिए आर के नीचे छोटा सा पी लिखा हुआ है LHS में. नाउ लेट्स गो टू एन एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12.8. इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, इन दिस क्वेश्चन यू डोंट नीड योर डायग्राम, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट यू कैन वॉच इट इन योर टेक्स्ट बुक, बट वी एक्चुअली डोंट नीड इट फॉर डूइंग द सम. सपोज द थ्री रेजिस्टर्स आर R1, R2 and R3 and they have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohms respectively, which have been connected to a battery of 12 volts. So R1, R2, R3 हमें पता है, voltage V की value हमें पता है, और क्योंकि ये parallel connection की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें जो वोल्टेज है वो पूरे सर्किट में सेम ही रहेगी. डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है. You have to calculate three things. First is the current through each resistor. Second, the total current in the circuit. Third, the total circuit resistance. तीन चीज़ें calculate करनी है. हम question में से data लिख लेते हैं पहले. R1 is equals to 5 ohm, R2 is equals to 10 ohm, R3 is equals to 30 ohm and potential difference across the battery is given as V is equals to 12 V. अब हमें क्वेश्चन में कहा है फर्स्टली द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि I1, I2, I3 ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है. अब ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू IR, तो उसमें से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू V बाय R. क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है V तो सेम रहेगा लेकिन I के जगह I1, I2, I3 आ जाएंगे और R के जगह R1, R2, R3 आ जाएंगे बारी बारी. तो I1 कैलकुलेट करने के लिए द करंट I1 यानी कि थ्रू R1 रेजिस्टेंस के आसपास जो करंट है वो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1. सो I1 इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट्स अपॉन 5 ओम्स विच इज इक्वल्स टू 2.4 ओम्स. सिमिलरली I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 दैट इज 12 वोल्ट्स अपॉन 10 ओम्स दैट विल गिव यू 1.2 एम्पियर. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट I3 एज 0.4 एम्पियर. ये तो हमने क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन लिख दिया कि हर एक रेजिस्टर के आसपास अलग अलग करंट क्या होंगे. सेकंड बी क्वेश्चन में पूछा था द टोटल करंट. टोटल करंट मतलब ये सारे करंट का आपको टोटल कर देना है I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है तो टोटल करंट विल बी द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल करंट्स एंड यू विल गेट 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 दैट इज 4 एम्पियर. क्वेश्चन में ये भी कहा है फाइंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस. अगर आपने डायग्राम देखा हो तो यू माइट हैव नोटिस कि ये पैरेलल कनेक्शन है और पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3.
तो उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 1/r इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इससे आप जब एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 1/3। अब 1/r की वैल्यू 1/3 आई है, यानी कि r की वैल्यू क्या होगी, 3 ohms। लेट्स गो टू अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 12.9। इन द गिवन फिगर 12.12, R1 इज 10 ओम्स, R2 इज 40 ओम्स, R3 इज 30 ओम्स, R4 इज 20 ओम्स, R5 60 ओम्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं। एंड अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन द अरेंजमेंट। कैलकुलेट, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, पहला टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सेकेंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इस क्वेश्चन में पहले हम R1 और R2 ऊपर वाले जो दोनों रेजिस्टेंस है वो दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो उनका आंसर निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस। उसके बाद हम नीचे के जो तीन रेजिस्टर्स हैं R3, R4 और R5, उनका इक्विवेलेंट यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल देंगे, तो पूरे सर्किट में दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, एक जो ऊपर वाले दोनों का कॉम्बिनेशन से बना था वो, और एक जो नीचे वाले तीनों रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन से बना है वो। फिर वो दोनों जो होंगे वो तो आपस में सीरीज में ही होंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन तो लाइन में ही है। सो सॉल्यूशन, सपोज वी रिप्लेस द पैरेलल रेजिस्टर्स R1 एंड R2 बाय एन इक्विवेलेंट रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, से R- नाम दे दिया है। सिमिलरली वी रिप्लेस द पैरेलल रेजिस्टर्स R3, R4 एंड R5 बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R-, देन वी हैव 1/R-, यानी ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस का निकाला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो पैरेलल में है, सो 1/10 प्लस 1/40, दैट विल गिव यू 5/40 अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो। सो 5/40 मतलब वो हुआ 1/8। नाउ 1/R- इज 1/8, सो R- विल बी 8 ohms। सिमिलरली नीचे वाले जो तीनों रेजिस्टर्स है उसका भी हम रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, 1/R" हमने उसका नाम दे दिया है, और 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 दैट विल गिव यू 6/60, सो R- विल बी 10 ohms। 6/60 विल बी 1/10, सो R-, उसका रेसिप्रोकल दैट इज 10 ohms। ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस है, कंबाइंड रेजिस्टेंसेस R- और R-, वो दोनों तो सीरीज में ही है क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों, वो दोनों लाइन वाइज ही है। सो द टोटल रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ बोथ दिस। सो R- की वैल्यू हमें मिली थी 8 ohms प्लस R- की वैल्यू हमें मिली 18 ohms, दोनों का टोटल दैट विल बी 10 ohms और 8 ohms, टोटल विल बी 18 ohms। नाउ टू कैलकुलेट द करंट, करंट फाइंड करने के लिए हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। वी इज इक्वल्स टू आई आर है, सो आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। वोल्टेज यहाँ है 12 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिला है 18 ओम्स। सो 12/18 डेसिमल में यू विल गेट द आंसर एज 0.67 एम्पियर। सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन बाय सीइंग द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट, हाउ डज इट लुक। सीरीज में जो सारे रेजिस्टर्स होते हैं वो एक ही वायर से जुड़े हुए होते हैं एक के बाद एक लाइन में, जबकि पैरेलल में अलग अलग रेजिस्टर अलग अलग सेपरेट वायर से कनेक्टेड होते हैं। वोल्टेज जो होता है वो सीरीज कनेक्शन में टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू, या टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वोल्टेजेस या पोटेंशियल। सो वी इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जबकि पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो हर जगह सेम रहता है। ऑपोजिट टू दैट करंट की बात करें तो सीरीज में करंट जो होता है वो हर जगह सेम रहता है, बट पैरेलल में जो टोटल करंट होता है दैट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के बात करें तो द टोटल रेजिस्टेंस और द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि पैरेलल की बात करें तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे आपको 1/R की वैल्यू मिलेगी, फिर आप उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आपको पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अब मेन थिंग, why are we studying these two different kinds of connections? So if one component burns, current becomes inactive. Series की बात करें तो अगर suppose हमने R1 R1
के जगह पे कोई बल्ब लगाया है, तो बल्ब है तो ऑब्वियसली उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, जो कि हम R1 नाम दे रहे हैं। उसके बाद R2 की जगह दूसरा बल्ब लगाया है, R3 की जगह तीसरा बल्ब लगाया है। तो सपोज अगर R1 खराब हो जाए, यानी कि पहला बल्ब खराब हो जाए, तो वहाँ पे जो सर्किट है वो टूट जाता है। तो सेम वायर से अब वो आगे करंट पास नहीं होता, तो R2 भी बल्ब ग्लो नहीं करेगी, R3 भी बल्ब नहीं ग्लो करेगी। जबकि पैरेलल में जो तीनों रेजिस्टेंसेज हैं वो अलग अलग वायर से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर तीनों तीन डिफरेंट बल्ब्स हैं उसमें से एक खराब हो गई तो उससे बाकी दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं। सपोज आपके घर के किसी एक रूम का एक लाइट या पंखा खराब हो गया हो, तो बाकी के रूम्स के लाइट खराब नहीं होते। अगर फॉल्ट सिर्फ एक में है तो बस वो एक नहीं जलती। सो दैट इज़ वाई इन डोमेस्टिक सर्किट्स, यानी कि जो घर पे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं वो सारे पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किए जाते हैं, ताकि अगर एक खराब हो जाए तो उसके वजह से दूसरी चीज़ें बंद ना हो जाए। सो दिस इज वाई वी वर स्टडिंग रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। वंस अगेन अ रिमाइंडर, रेजिस्टर इज अ डिवाइस विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ करंट। ऑल्सो ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैव एन इन बिल्ट लिटिल थिंग कॉल्ड रेजिस्टेंस इन साइड देम ऑल्सो, ताकि वो अप्लायंस खुद भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आए तो कंट्रोल कर पाए। सो दैट वॉज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इन इलेक्ट्रिसिटी। एंड कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के जितने भी सम्स होते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ ईजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग ऑल्सो वंस यू लर्न इट। सो कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।